हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ जीत सलाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर बॉडी वार्म अप के बारे में। ये वीडियो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जो वीडियो था अपर बॉडी वार्म अप के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगा। सो आज के जो वार्म अप रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, ये आप हर उस दिन परफॉर्म करेंगे जिस दिन आप लोअर बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स या किसी भी तरह की लोअर बॉडी एक्सरसाइज करने से पहले। ज़्यादातर लोगों के वार्म अप स्क्वाट रैक के नीचे होते हैं और ये तब तक तो ठीक रहता है जब तक वेट कम है, लाइट वेट है या इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन द मोमेंट व्हेन यू स्टार्टेड लिफ्टिंग हैवी, जब इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, यानी कि आप अपने वेट से दुगना तिगना वेट स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स में उठाने लगते हैं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। लोअर बैक इंजरीज, मसल टेयर, हैमस्ट्रिंग टेयर, नी इश्यूज, जॉइंट इश्यूज, ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और फिर लोग एक्सरसाइज को दोष देने लगते हैं कि स्क्वाट्स आर बैड फॉर योर नीज। नो, नॉट वार्मिंग अप प्रॉपरली इज़ बैड फॉर योर नीज। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, तो हम शुरू कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से, जिसके हम दो सेट्स लगाएंगे 15 से 20 रेपिटेशंस। और ये स्ट्रेच जो है आपकी पूरी तरह से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा, आपके काफ्स, आपके ग्लूट्स को स्ट्रेच करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शुरुआत हम इससे करेंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रेच है हमारा पदोतासन स्ट्रेच। ये एक योगा स्ट्रेच है जिसके हम दो सेट्स लगाएंगे और 10 सेकेंड पर लेग हम वहाँ पे वेट करेंगे इस स्ट्रेच में। और स्ट्रेच के दौरान हम ब्रीद इन ब्रीद आउट आराम से सांस लेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्ट्रेच है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, जिसका हम सिर्फ एक सेट लगाएंगे और 20 सेकेंड पर लेग हम रेस्ट करेंगे उस पर। और इस स्ट्रेच के दौरान हम अपने ग्लूट्स, अपने इनर हैमस्ट्रिंग, आउटर हैमस्ट्रिंग और अपने क्वाड्स, हर चीज़ को स्ट्रेच करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छा स्ट्रेच है जिसमें आपके पूरे मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और आपके जॉइंट्स मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगला स्ट्रेच है हमारा कैट स्ट्रेच, जिसको काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, और इसके हम सिर्फ एक सेट लगाएंगे 15 से 20 रेपिटेशन। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं अपने बैक को किस तरह से हैंच कर रहा हूं और उसके बाद हाइपर एक्सटेंड कर रहा हूं, और मेरी ब्रीदिंग बहुत ही कंट्रोल्ड है, और इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सो अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज, जिसके हम सिर्फ एक सेट लगाएंगे 12 से 15 रेपिटेशन। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए और आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे किक बैक पल्स, जिसके हम सिर्फ एक सेट लगाएंगे 12 से 15 रेपिटेशंस। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे रेस्ट आसन, एक सेट लगाएंगे इसके हम 10 सेकेंड, और उसके बाद हम करेंगे अपने क्वाड्स को स्ट्रेच 10 सेकेंड के लिए। अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे स्कॉर्पियन किक्स, जिसके हम सिर्फ एक सेट लगाएंगे 12 से 15 रेपिटेशंस ईच लेग। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके कोर को एक्टिवेट करने के लिए, आपके लोअर बैक को एक्टिवेट करने के लिए, साथ ही साथ आपके लेग्स को एक्टिवेट करने के लिए।
उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे डीप स्क्वाट सिर्फ एक सेट 30 सेकेंड्स के लिए और ब्रीदिंग इसमें कंट्रोल होनी चाहिए आपकी। फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे फोम रोलिंग। फोम रोलिंग लेग वर्कआउट का वार्म अप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फोम रोलिंग करने से आपके लेग मसल्स को ज़्यादा स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईटी बैंड से, यानी कि जो हमारा साइड क्वाड्रिसेप मसल है आईटी बैंड। 20 से 30 सेकेंड हम वहाँ पे फोम रोलिंग करेंगे और उस पॉइंट्स को टारगेट करेंगे जहाँ पे मसल बहुत ही टेंस है। सो अब हम फोकस कर रहे हैं क्वाड्स में, वही 20 से 30 सेकेंड तक हम क्वाड्स को फोम रोल करेंगे और प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज करेंगे। एंड अगेन दूसरे लेग में भी हम इसी तरह से अपने आईटी बैंड और अपने क्वाड्स को फोम रोल करेंगे। फोम रोलिंग करने से हमारे जो मसल फैशिया होता है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रेच होता है और जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो प्रेशर पड़ता है हमारे मसल्स में और प्रेशर रिलीज करता है फोम रोलिंग। तो फोम रोलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक्सरसाइज स्क्वाट्स डेडलिफ्ट या इस तरह की चीज़ें जब आप परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले। और गाइस, जो भी मैंने एक्सरसाइजेज आपको आज बताई हैं इनका ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में एक्सरसाइज करें जैसे मैंने आपको बताई है। और फाइनली हम अपने हैमस्ट्रिंग को 20 से 30 सेकेंड्स तक फोम रोल करेंगे और उसके बाद फाइनली फिनिश करेंगे हम काफ मसल्स से दोनों लेग्स के, जिसको हम 20 सेकेंड तक करेंगे। That's it, हमारा लोअर बॉडी वार्म अप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसीलिए गाइज मैं ये हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में एक राइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस, मसल बिल्डिंग, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके काफ़ी सारे पिलर्स हैं, यानी कि न्यूट्रिशन, राइट एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन, वार्म अप, रेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ एक चीज़ को करने से और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करने से आप एक ऑप्टिमल रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और गाइज, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी ट्रेनिंग में। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। एंड टेक केयर, जीत सलाल साइन ऑफ।